दहेज उत्पीड़न का शिकार हुई महिला कानून से लगा रही इंसाफ की गुहार। यूं तो महिलाओं को उत्पीड़न आज के समाज की एक कुरीति बन गया है, जिसके चलते महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वालों के हौसले और बुलंद हो गए हैं। जहां एक तरफ सरकारें महिला सम्मान और सुरक्षा को बढ़ाने को लेकर दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ आए दिन महिलाओं के साथ बद से बदतर व्यवहार करने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है और महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका कारण है हमारी बिगड़ी कानून व्यवस्था, जो ऐसे मामलों को नजरअंदाज कर कोई कार्यवाही नहीं कर पाती है। ऐसा ही एक मामला रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां दहेज लोभियों की शिकार हुई विवाहिता को लगातार ससुरालियों के प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। वहीं इस संबंध में उच्च अधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी उपरोक्त ससुरालियों पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की जा रही है। मामला रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ज्वाला नगर का है, जहां अब से 2 वर्ष पूर्व पीड़िता डिंपल कौर का विवाह कृपाल सिंह से हुआ था। पीड़िता के मुताबिक उसके पिता ने हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था, जिसके बावजूद ससुरालियों की मंशा पूरी नहीं हो पाई और वो डिंपल को कम दहेज लाने के ताने देते हुए प्रताड़ित करने लगे। बात सिर्फ गाली गलौज तक ही सीमित नहीं रही और ससुराली उसके साथ मारपीट करने लगे और उससे मायके से 5 लाख रुपए लाने को दबाव बनाया, जिसके बाद पीड़िता अपने पिता की हैसियत का हवाला देते हुए रुपए ना लाने की बात कही तो ससुरालियों ने उसके साथ और उत्पीड़न शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत उसने अपने मायके वालों से की, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने ससुरालियों को समझा बुझा कर डिंपल को ससुराल में रहने की सलाह दी। कुछ समय बाद ससुराली फिर उसका उत्पीड़न करने लगे और उसके साथ छेड़खानी और मारपीट करने लगे। ससुरालियों के गुनाहों का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा और उन्होंने पीड़िता पर तेल छिड़क कर जलाकर मारने का भी प्रयास किया, लेकिन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और पीड़िता अपनी जान बचाकर भागकर अपने घर आ गई। पीड़िता ने बताया उसका पति कृपाल सिंह, सास महेंद्र कौर, ससुर गुरदयाल सिंह, देवर रक्षपाल, जेठ जगपाल सिंह और नंद बलविंदर कौर सभी दहेज को लेकर उसका उत्पीड़न करते थे। लगातार उत्पीड़न झेलने के बाद पीड़िता ने हार कर कानून का सहारा लेने की ठानी और ससुरालियों की शिकायत करने थाने पहुंची, जहां मौजूद दरोगा ऋषि पाल ने पीड़िता से तलाक मांगने को लिखवा कर दबाव बनाया, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से करने पर दरोगा का तबादला कर दिया गया। पीड़िता ने इस मामले में मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक उसकी कोई मदद नहीं की गई है। वहीं उसका पति लगातार उसे धमकाकर कहता है, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, अधिकारियों तक है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और आरोपी तलाक की मांग करते हुए लगातार उसे धमका रहा है। वहीं राज्य मंत्री बलदेव औलख को अपना मामा बताते हुए सब कुछ करवाने की धमकी देता है व पुलिस में शिकायत करने पर कोई भी कार्यवाही न होने की बात भी कहता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कानून से खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों के लिए कानून उनके हाथ की कठपुतली बन बैठा है, जिसके चलते उनके हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। यहाँ कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या कानून बड़ी पहुँच वालों के सामने बौना साबित हो रहा है व सरकार के महिला सुरक्षा को लेकर किए गए दावे सरासर झूठे हैं? वहीं उच्च अधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी आखिर ऐसा अपराधियों पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही और आखिर कब तक महिलाओं को दहेज कुप्रथा के चलते उत्पीड़न सहना पड़ेगा? 28 अप्रैल 2016 को हुई थी और मेरे पिताजी ने काफी अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था और मेरे ससुराल वाले उस दान से खुश नहीं थे, बिल्कुल ना खुश थे और उससे आए दिन मेरे साथ मारपीट करते थे और जेठ जगतार सिंह मेरे ऊपर पूरी नज़र रखता था और आए दिन मुझसे अगर मैं बात नहीं मानती थी तो पूरा परिवार मुझे मिलकर मारता था। अगर मैं अपने पति को कुछ कहती थी तो मेरे ऊपर जान से मारने की नीयत से मुझे दबोचता था और मारता था और अपने परिवार के साथ मिलकर मेरे ऊपर अत्याचार करता था और 5 लाख रुपये नगद लेकर अपना कारोबार चलाने के लिए 5 लाख रुपये लेकर आता 5 लाख रुपये आने की मांग करता था और छोटा देवर रक्षपाल सिंह वो भी मेरे साथ बुरी नज़र रखता था मेरे ऊपर और आए दिन मेरे साथ अभी भी गुंडागर्दी करता है रास्ते में। मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही हूँ और मेरे साथ 5 लाख रुपए करने की मांग हमेशा करता था। तो इसकी शिकायत आपने किसी से की? जी, इसकी शिकायत मैंने की थी थाना में, महिला थाने में और SP से, मेरी किसी कहीं सुनवाई नहीं हुई। SP साहब से बात हुई, आप क्या बोले वो? जी, बात नहीं हुई थी। तो आपके हस्बैंड क्या कहते हैं? जी, वो डाइवोर्स के लिए बोल देता है डायरेक्ट।
नहीं, पुलिस की बात करी थी, मंत्रियों की बात करते हैं, आप क्या कह रहे हैं? जी जी हाँ, उसके बारे में कहते हैं कि तुझे जो करना है कर ले, और जहाँ तक तुझे जाना है जा, अगर कोर्ट में भी जाएगी तो मेरी पहुँच बहुत दूर तक है, अधिकारियों तक है, और मैं अपनी पहुँच भी दिखा दूंगा जहाँ तू दिखाएगी। जी हाँ, मुझसे तलाक के लिए जबरदस्ती लिखवाते हैं कि यहाँ पर लिख और इस तरीके से बात लिख कि ससुराल वाले के पीड़न के कारण मैं अपना तलाक लेना चाहती हूँ। महिला थाने गई तो दरोगा क्या बोला? जी, उन्होंने ही मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई थी और कहा कि तलाक लेने की बात उसके ऊपर लिखो एप्लीकेशन के ऊपर। किसने? ऋषिपाल दरोगा जी। तो इसकी शिकायत आपने किसी से की? जी हाँ, कप्तान साहब के साथ की थी मैंने। कप्तान साहब से की है? तो क्या बोलते हैं आपके हस्बैंड? जी, वो मुझसे यही धमकी देता है और यही कहता है बात बात पर कि तेरी जहाँ तक पहुँच है तू कुछ भी कर ले, अगर मुझे जेल भेजना चाहती है तो जेल भी भेज दे, 3-4 दिन में मैं अपनी जमानत करवा लूँगा, और कहीं भी किसी भी तरीके की कार्रवाई करना चाहती है कर ले किसी भी तरीके से। और ओलख बलदेव ओलख जो है वो तो मेरे मामा लगते हैं, और मैं उन्हीं से अपना जो मैं करवा सकता हूँ जो भी मैं करवाऊँगा। पुलिस के लिए क्या बोलते हैं? पुलिस के लिए भी यही बोलते हैं कि मैं पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, जहाँ एप्लीकेशन भेजोगी कर जहाँ कुछ भी करोगी कोई कार्रवाई नहीं होगी मेरे ऊपर, और कार्रवाई होगी तो 3-4 दिन की ही होगी, उसके बाद मैं अपना जमानत वगैरह सब करवा लूँगा। क्या नाम है आपका हस्बैंड का? जी, कृपाल सिंह। फिर क्या हुआ, SP शिकायत इसकी की आपने? जी, SP से शिकायत की, फिर उन्हें बुलाया गया और उनको वहाँ से हटा दिया गया, दरोगा जी को। जी हाँ। तो दरोगा जी क्या कह रहे थे? उन्होंने अपने अपने दबाव के ऊपर डाल के मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई थी। किसने? दरोगा जी ने, ऋषिपाल। मेरी शादी 28 अप्रैल 2016 को हुई थी, और मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत के अनुसार काफ़ी दान दहेज दिया था, और आए दिन मेरे साथ उस दान दहेज से मेरे ससुराल वाले खुश नहीं थे, आए दिन मेरे साथ मारपीट करते थे और 5 लाख नकद रुपये लेकर आने की मांग करते थे अपना कारोबार चलाने के लिए, और जेठ जगतार सिंह मेरे ऊपर बुरी नज़र रखता था और आए दिन कमरे में ले जाकर मुझे मारता था, अगर मैं किसी को कुछ बताती थी तो पूरे ससुराल वाले मेरे ऊपर दबाव बनाते थे और मारपीट करते थे और घर से निकाल देते थे। 3-4 बार ये हादसा मेरे साथ हो चुका, और फिर भी मेरे पिताजी ने मेरा घर बसाने के लिए सबके सामने समझौता करा के, समझा बुझा कर समझौता करा के मुझे वापस घर भेज दिया, फिर भी 3-4 दिन के बाद वो लोग मुझे ताने वाने मारते थे और फिर वही हरकत करते थे मेरे साथ। और छोटा देवर लक्षपाल सिंह वो भी मेरे साथ बुरी नज़र रखता था और मेरे साथ मारपीट करता था, सबसे ज़्यादा वही मारपीट करने लगता था। और उसके बाद मैंने कुछ दिनों के बाद फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, और जब मेरे पिताजी को ये बात पता चली तो मेरे पिताजी की ये बात सुनकर उनकी तबीयत खराब हो गई, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। फिर कुछ दिन के बाद इन्होंने वही हरकत की, काफ़ी बार 3-4 बार मेरा समझौता होने के बाद भी इन्होंने यही हरकत करते रहे। फिर ये सारी बातें मैंने फिर अपने भाई को बताई घर पर आकर, और मेरे ऊपर मिट्टी का तेल झड़कने लगे और मुझे मारने की कोशिश करते रहे पूरा परिवार। मैंने किसी तरीके से बीच बचाव करके मैं अपने घर भागा, ये रात के 12 बजे हुए थे, 12-11 के टाइम था रात का। मैं अपने घर आई तो मैंने अपने भाइयों को बताया तो मेरा भाई मुझे थाने लेकर गया, वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, और मैं SP के पास गई अपनी रिपोर्ट लेकर, वहाँ से मेरी रिपोर्ट ट्रांसफ़र कर दी गई महिला थाने मैं गई, अपनी शिकायत की मैंने, तो उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती दबाव बनाकर दरोगा ने मेरे ऊपर दबाव बनाकर कहा कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखो जो जो आपके साथ हुआ है। उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई दबाव बनाकर कि अपने ससुराल वालों से ना खुश होने के कारण अब मैं उनसे तलाक लेना चाहती हूँ, और तलाक लिखवाने की अर्जी मुझसे ज़बरदस्ती लिखवाई गई, और उससे मुझसे छीना छपटी करने का भी दबाव बनाया गया, और मैंने वो तुरंत फाड़ दी। फिर उसके बाद मैंने इसकी कंप्लेंट कप्तान सिंह से की, उन्होंने बुलाया, उन्होंने वहाँ से उनको हटा दिया उसकी जगह से। फिर उसके बाद जी हाँ की थी, तो वहाँ से कुछ आया? वहाँ से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद अब आप क्या चाहती हैं? अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो क्या होगा? जी, मैं योगी सरकार से अपना इंसाफ लेना चाहती हूँ, अगर मुझे ये इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, और इसका जिम्मेदार रामपुर प्रशासन ही होगा।